नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए देखते देश और दुनिया की ताजा खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने राजा महाराजा ने जमीन हड़प ली टिप्पणी पर राहुल गांधी की आलोचना की। एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी आज सेलम में चुनावी रैली को करेंगी संबोधित। कर्नाटक के चामराजनगर में आज पुनर्मतदान, दो गुटों के बीच झड़प के बीच ईवीएम मशीन के साथ हुई थी तोड़फोड़। दिल्ली जेल में सीएम केजरीवाल से मिली कैबिनेट मंत्री अभिषेक। मुंबई 4 मई को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के लिए सभा करेंगे राष्ट्रपति। मुंबई पनवेल में पटरी से उतरी लोकल ट्रेन की बोगी, सीएसएमटी प्लेटफॉर्म पर हुआ हादसा। कांग्रेस ने पंजाब की 4 सीट पर घोषित किए उम्मीदवार, लुधियाना से अरविंदर सिंह राजा वारिंग को किया टिकट। बिहार ओवाईसी की पार्टी ने 9 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार नहीं चल रही है, वसूली गैंग पागलकोट में पूरे पीएम मोदी। अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले को लेकर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में हाई लेवल मीटिंग। पश्चिम बंगाल वीरभूम से बीजेपी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र रद्द होने को एससी में दी चुनौती। छत्तीसगढ़ सुकमा में सुरक्षा कर्मियों ने ढेर किया नक्सल। कर्नाटक प्रज्वल रेवन्ना को जेडीएस से निष्कासित करने की मांग, पार्टी नेता ने श्री देवेगौड़ा को लिखा पत्र। अमेठी स्मृति ईरानी के साथ रोड शो करेंगे एमपी के सीएम मोहन यादव। लखनऊ लोकसभा सीट से आज नामांकन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दिल्ली प्रगति मैदान में हुआ टनल हादसा, पुलिस सब इंस्पेक्टर की मौत। झारखंड पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आज उपचुनाव के लिए दाखिल करेंगी नामांकन। कर्नाटक चामराजनगर से बीजेपी सांसद वी श्रीनिवास प्रसाद का निधन। सुप्रीम कोर्ट आज ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल और हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करेगा। ईसीआई ने आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर जेपी नड्डा से आज जवाब मांगा। आरपीएल अवैध स्क्रीनिंग मामले में साइबर सेल के सामने नहीं पेश हुई तमन्ना भाटिया, मांगा वक्त। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद।